ओम शांति। कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं। कोई भी जो अवज्ञा कर रहा होता है, अगर आप उससे बात करेंगे ना, हमेशा वो फ्रस्ट्रेट होता है। बात वो सिंपल सी कर रहा होगा, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई देती है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है, वो डिससर्विस कर रहा है। तो वो किस पॉइंट को उठाएगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माना उसके ऊपर माया इतना तांडव कर रही होती है, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट उठा ले कुछ नहीं कह सकते। आप सोच सोच के बोलोगे कि भैया हमसे तो नहीं ऐसी कोई भूल हो जाएगी या कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी, लेकिन वो आत्मा अगर डिससर्विस कर रही है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो उसके साथ टेंशन वो चिपकी पड़ी है। वो अगर खड़ा भी हो जाएगा ना कहीं पे, तो वायुमंडल को ही दूषित करने लग जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प ही ऐसे कर रखे हैं कि प्रकृति डिस्टर्ब रहेगी। ना वो खुद अपने आप में सही हो पाएगा, ना उसके इर्द गिर्द की प्रकृति सही हो पाएगी, तो इसीलिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। प्रकृति के प्रति भी तो डिससर्विस कर रहे हो, क्योंकि दो आत्माओं को तो आपने चेंज करना है, अपने आप को और दूसरी आत्माओं को, ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। पर प्रकृति का भी तो उद्धार करना है, जहां आपने जाना है, आजी बाबा ने कहा, एक तो रहने का स्थान भी तो आपको पवित्र बनाना है, तो प्रकृति तो विशेष रोल अदा करेगी। तो आप जो सोचते हो तो वो प्रकृति में फैल जाता है, फिर वही आत्माओं के पास पहुंचता है, वही सारी चीजें एक्टिविटी होती है, और फिर वही घूम फिरा के वो गोला सा चक्कर घुमा के आपके पास ही आ जाता है। लेकिन हम बात जो करते हैं अच्छी करते हैं, तो अगर घूम के आएगी तो आपको खुद अच्छी लगेगी कि घूम के कितनी अच्छी बात आ गई। अगर कुछ भी ऊपर मिक्सिंग होगी तो वो भी तो घूम फिर के आपके पास ही आएगी। तो बाबा भी अगर जो बातें करते हैं, आप भी घुमाना फिर आना शुरू कर दो तो आपके पास भी वही मुरली आएगी, आ जाएगी कि नहीं। फिर आपको डर नहीं रहता है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ ऊपर नीचे बोलते नहीं या आप शब्दों का प्रयोग करते नहीं, तो आप निश्चिंत रहते हो, आपको डर नहीं रहता है। भले इस 24 घंटे में कोई भी सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का बुरा चाहा नहीं, किसी का बुरा बोला नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। ओके, ओम शांति।